हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानकारी लेकर आए हैं उन लोगों के लिए जो विजिटर वीजे पे कनाडा जाना चाहते हैं। तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो लोग कनाडा विजिटर वीजे पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं वहां जाकर वो घूमते हैं, खाते पीते हैं, ऐश करते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन उनको विजिटर वीजे पे कनाडा जाने का मौका मिला है तो वहां जाकर उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। सो वीडियो में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। आप वहां पर जाकर क्या क्या कर सकते हो। अगर आप इंडिया में बिजनेस से रिलेटेड हो, कोई बिजनेस कैटेगरी से रिलेटेड हो, तो आपको वहां जाकर देखना चाहिए कि कनाडा में अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कैसे वहां बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, कैसे आप वहां बिजनेस की सेटलमेंट कर सकते हो, कैसे आप अपने लड़के या लड़की के द्वारा अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सब कुछ आप कनाडा पहुंच तो चुके ही हो, तो वहां जाकर अब ये सब कुछ देखना आपका फर्ज बनता है ताकि आप इजीली वहां बिजनेस स्टार्ट कर सको। इंडिया और कनाडा के बैंक के वर्किंग में भी बहुत ज्यादा अंतर है, वो भी आपको देखना चाहिए कि इंडिया का बैंक का काम कैसे चलता है और कनाडा के बैंकों में काम कैसे चलाया जा रहा है। क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको कि कनाडा में कितने घंटे बैंकों में काम होता है और कौन कौन से दिन बैंक खुलते हैं, तो ये जानकारी आपको लेना चाहिए। कनाडा में क्या है, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो बहुत ही इजी है, बहुत ही कम खर्चे पे आप वहां पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये सिंगल विंडो स्कीम है, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स ऑफिसों में आपको ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, तो इजीली आप कनाडा में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो कश्मीर का सेब है, जिसको एप्पल बोलते हैं, हम एप्पल कहते हैं, कश्मीर का जो एप्पल है वो अभी तक कनाडा नहीं पहुंचा, तो अगर आप उसे एक्सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप फार्मिंग कैटेगरी में से संबंध रखते हैं तो आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि कनाडा में क्या है, जो खेती बाड़ी होती है, फसल उगाई जाती है, वो बहुत ही कम पानी यूज किया जाता है उसके लिए। वहां पर खेतों में अगर बारिश करनी है तो उसके लिए मशीनें मिलती हैं जो बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाती हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक ऐसा कोई भी अदारा नहीं है जिसने ऐसी मशीन बनाई हो। तो वहां जाकर बारिश की इजली मशीन लेकर भी खेती की जा सकती है, वो भी कम पानी से। और कनाडा में क्या है, अगर किसी ने ट्रैक्टर खरीदना है तो ये नहीं होता कि एक पर्सन ने एक ट्रैक्टर ले लिया तो दूसरा पर्सन सोचता है कि उसका छोटा है तो मैं बड़ा ट्रैक्टर लूंगा, ऐसी बात नहीं है। वहां पर क्या है, जमीन के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंगली जितने बड़े साइज का ट्रैक्टर चाहिए उसी हिसाब से लोग ट्रैक्टर खरीदते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी मशीन होगी, जितना बड़ा ट्रैक्टर होगा, उतना ज्यादा वो डीजल खाएगा। तो लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, अपनी जमीन के अकॉर्डिंगली ही उतने साइज का ट्रैक्टर खरीदते हैं। कनाडा में क्या है, ट्रैक्टर के ऊपर स्पीकर नहीं लगाया जाता, जैसे कि इंडिया में चलता है कि सभी लोग स्पीकर लगा के काम करते हैं, तो वहां पर ये अलाउड नहीं है, वहां पर स्पीकर लगाकर काम नहीं किया जाता। कनाडा में क्या है, जो फ्रूट्स के ट्रीज हैं वो इस ढंग से लगाए जाते हैं कि उनकी लाइन अलग अलग रखी जाती है, जैसे एक लाइन में एक फ्रूट के ट्रीज आ गए, दूसरी लाइन में दूसरे फ्रूट के ट्रीज आ गए, और तीसरी लाइन में अलग, चौथी लाइन में अलग। तो इससे क्या होगा, किसान को नुकसान नहीं होता, उसको महीने के महीने उसकी जो इनकम है होती रहती है। जैसे कि एक महीने में एक लाइन के फ्रूट हो गए, उसको सेल करके उसकी इनकम हो गई, तो दूसरे महीने नेक्स्ट मंथ उसको दूसरी लाइन के फ्रूट मिल गए, तो इस तरह से क्या होता है, उसकी इनकम लगातार चलती रहती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है वहाँ फ्रूट पैदा करने। और अगर आप इंडिया में फर्नीचर का काम कर रहे हैं तो आपको कनाडा में जरूर देखना चाहिए कि कैसा फर्नीचर चल रहा है। जैसे कि अब क्या है, कनाडा में मोस्टली जो फर्नीचर है वो चाइना से आ रहा है, जो कि
अच्छी क्वालिटी का होता है, हैवी नहीं होता और अच्छा होता है, हल्का होता है। तो अगर आपको फर्नीचर की अच्छी नॉलेज है तो आप ये काम करके भी कनाडा में फर्नीचर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इससे भी आपको अच्छी इनकम हो सकती है। आपको ये पता होना चाहिए कि कनाडा में क्या है, पुलिस का काम कैमरों से लिया जाता है। ये क्या है, ये कैमरे हैं, सभी जगह इंस्टॉल किए हुए हैं, सभी जगह लगे हुए हैं कैमरे। कौन से लोग अपनी ड्यूटी पे सही टाइम पे जा रहे हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल भी कैमरों के थ्रू ही किया जाता है। तो वहाँ पर पुलिस फोर्स कम होती है और पुलिस फोर्स का काम जो है वो कैमरों से लिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कनाडा में क्या है, जो सैलरी है वो घंटों के हिसाब से दी जाती है और जो भी कोई भी काम करने वाला पर्सन है वो अपनी ड्यूटी से गैरहाजिर नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो कम जाएगा तो उसकी सैलरी कटेगी। तो लोगों को सैलरी घंटों के हिसाब से दी जाती है। तो कनाडा में क्या है, सिर्फ 6 पब्लिक हॉलीडेज होती हैं, जबकि इंडिया में हमारे कम से कम साल में 180 छुट्टियाँ होती हैं। तो इन बातों का भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप कनाडा में आते हो तो वहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपका सैलरी पैकेज भी अच्छा होगा। तो ये सारी बातों का पता करना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप फ्यूचर में कनाडा में बिजनेस करने के लिए आना चाहते हैं या कनाडा में आकर सेटल होना चाहती हैं। तो अगर आपको मौका मिला है विजिटर वीजे पे कनाडा जाने का तो आपको कनाडा के बारे में जानना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको कनाडा जब आप आए तो आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। सो इसके रिगार्डिंग अगर आपने कोई और कुछ पूछना है, कोई जानकारी लेनी है, तो आप हमारे कनाडा ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। कनाडा ऑफिस का नंबर आप नोट कर लीजिए, +1 604 765 5008। इस नंबर के ऊपर आप कनाडा दिन के टाइम संडे को सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक बात कर सकते हैं। ये जो फैसिलिटी है ना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आपको फ्री में सारी जानकारी दी जाएगी। सो इस मौके का ज़्यादा फायदा उठाइए और जो कुछ भी आप कनाडा के बारे में पूछना चाहते हैं, वीजे के रिगार्डिंग में पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे पटियाला ऑफिस में संपर्क करना चाहते हैं तो भी नंबर नोट कर लीजिए, 9882 9500। इस नंबर के ऊपर भी आप वर्किंग डेज में बात कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं और आप सही रास्ता अपनाकर कनाडा पहुंच सकें। सो और नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।